हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है खेल कूद से बढ़ाएं अपनी एनर्जी। किस तरीके से, हमने पहले के ज़माने में कहावत तो सुनी होगी, सबको ही पता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के टाइम में इसी कहावत का बिल्कुल जस्ट उल्टा है। सब कहते हैं कि अगर खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। काफ़ी सारे लोग इस टाइप से कहते हुए सुने जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स जो है, खेल कूद जो है, उससे भी हमारे करियर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खेल कूद जो है, जो स्पोर्ट्स है, उसके लिए उससे हमें डिसिप्लिन में रहना और किसी चीज़ में परफेक्ट होना, ये सब हमारे अंदर आता है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के लीडर्स हैं जो किसी न किसी रूप से खेलों के साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने खुद को एक्टिव रखने के साथ करियर में इसके कैसे फायदे लिए। इसमें है एन चंद्रशेखरन, अजय बाकिया, समीर थापुर, नवीन जिंदल और शिव कुमार के बीच कौन सी आम बात है। ये सभी अत्यधिक सक्सेसफुल कंपनियों के चोटी के मैनेजमेंट लीडर्स हैं। ये सभी न केवल खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए, बल्कि ऐसे जीवन में इनका स्पोर्ट्स के साथ आने वाली एक नजरिए स्वागत को अवगत रखने के लिए किसी न किसी तरह से खेलकूद और फिटनेस से गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये किसी न किसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। एक नामचीन, एक बहुत फेमस कंसल्टिंग कंपनी है, उसने कुछ सर्वे किया, उसके अकॉर्डिंग 85% जो हायर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उन लोगों ने शुरुआती जीवन में किसी न किसी तरह का कोई गेम, कोई स्पोर्ट्स अवश्य खेला था। तो इसीलिए अगर आप खेलकूद के समय को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है या क्या काम के बहुत दबाव के कारण आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो ज़रा ठहरिए। एक स्वस्थ शरीर की, एक स्वस्थ करियर की पहली पूर्वापेक्षा है। आइए जाने कैसे खेलकूद आपकी मदद कर सकते हैं। खेल से हमारे कैरेक्टर का भी विकास होता है। खेलने से व्यक्ति का जो कैरेक्टर, वो कई तरह से आकार ग्रहण करता है। खेलकूद में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। अपने खेल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी खेल नीतियों को और बेटर बनाते हैं। तो अगर हम फेल होते हैं या फिर सक्सेस नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, अपने खेल की जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि हम आगे ये गलती नहीं करेंगे। तो जब सफलता है, जब किसी गेम में जीत जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमने कैसे गेम खेला और उसी तरह हम सोचते हैं कि खुद को लगातार इसी तरह से हम आगे भी गेम खेलें। और इससे क्या होता है, हमारी जो मेंटल जो हेल्थ है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो एक विद्यार्थी या कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य प्रदर्शन करने और सफल होने का दबाव हमेशा बहुत अधिक होता है और अत्यधिक कठिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उनको पास करने के उद्देश्य से विद्यार्थी लगातार कोचिंग जाते हैं स्टूडेंट्स और परीक्षाओं की प्रिपरेशन भी करते हैं। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल अपने कामकाज में चोटी पर टिके रहने के लिए एक हफ्ते में 70-80 घंटे काम करते हैं और कामकाज के साथ जुड़ा दीर्घकालिक दबाव, जो प्रेशर आता है उन पे, की कुशलता और दक्षता को दूर कर सकता है। जिसकी सफलता के लिए आवश्यकता है, वही खेलकूद कारगर तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक अनुशासन, डिसिप्लिन और परफेक्शन और इस प्रकार की सफलताओं की संभावना को बढ़ाता है और हमारे हार्डवर्क के लिए भी हमें तैयार करता है खेल। ढेर सारे लोगों का मानना है कि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत इजी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानती हूँ जो बड़ी कंपनियों में हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर हमेशा काम करते हैं। उनके कार्यक्रम में इतनी भागदौड़ है, इतनी हेक्टिक लाइफ है जो हम में से काफ़ी लोगों की नहीं होगी, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। खेलने से अगर हम खेलते हैं तो हमें लंबी पारी खेलने की आवश्यक एनर्जी मिल जाती है। हम उस मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। खेलकूद हमारी पाचन क्षमता, हमारे डाइजेशन को भी बढ़ाता है, उन हार्मोन्स को बढ़ाता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। और इससे हमें एडजस्ट करने की भी, अगर हम गेम खेलते हैं तो उसमें टीम होती है, सारे लोग होते हैं, तो एडजस्ट, बेहतर सामंजस्य बनाने की भी हमें वो मिलती है। तो खेलकूद सफलताओं और विफलताओं, सक्सेस और फेलियर दोनों
अवास्तविक ढंग से सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। खेलकूद जो स्पोर्ट्स है जो हमारे मन को उसी तरह से तैयार करता है जिस तरीके से हम प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह प्रोफेशनल ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरत है वैसे ही स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम बेहतर तैयारी करने में, हमें प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। और अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हमें स्ट्रगल करने में, कभी हार ना मानने की भी सीख मिलती है। मैंने जिन लोगों को देखा है, जैसे कि मैराथन जो रनर्स होते हैं, वो 40 की उम्र के बाद भी प्रोफेशनल तरीके से दौड़ना शुरू किया था उन लोगों ने, और उसके लिए भी काफ़ी बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनके पास। जो हमेशा सोचते हैं कि आयु, एज, नॉलेज उनके हक में नहीं थी, हम सब शुरुआत कर सकते हैं। भले हम अपने परिवार में किसी पर भी मुकाम पर हों, हम अपने करियर में किसी भी मुकाम पर हों, उस मुकाम से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। खेलकूद हमें धैर्य रखने, हमें पेशेंस, और जब जब हमारे जो सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग नहीं होती उसमें भी हार ना मानने की हमें प्रेरणा देता है। वहाँ से बाहर निकलने के सबक भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम हालात आपके खिलाफ हों तब कैसे उन हालातों में खुद को शांत रखा जाए। तो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो भी बीच में कुछ ब्रेक्स लेके स्पोर्ट्स खेला कीजिए। इससे काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का अगर नोटिफिकेशन जाते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर मेरी पूरी वीडियो की आप लिस्ट वाइज एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारी वीडियोज़ एक साथ एक सीक्वेंस में आप देख पाएंगे। इसमें कुकिंग की, एंटरटेनमेंट की काफ़ी सारी फनी वीडियोज़ भी हैं, और आपके लिए यूजफुल वीडियोज़ भी हैं, लेटेस्ट रिसर्च है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस बटन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो से भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके, या कोई आपके सुझाव हैं, तो आप मुझे दे सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।